your chance to be rude. Hey kid, don't ever. Welcome back guys. So आज मैं आप लोग को कुछ ब्लॉग नहीं दिखाने जा रहा हूँ, कुछ नहीं भाई, बस आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ अपने लेग्स को कैसे सेफ रखें, क्योंकि भाई लेग्स भाई हमारा बॉडी का भाई समझो कि एक बेस है गाइस, बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब मजबूत कैसे रहेगा, एक्सरसाइज करने से नहीं, वार्म अप करने से गाइस, क्योंकि आई गाइस अपने सेट्स को पहले मारने से पहले अपने हर बॉडी पार्ट को उस सेट के लिए रेडी करो ताकि आप इंजरी से बचे रहें। ये वार्म अप सेट है भाई, आप लोग को लेना चाहिए अपने सेट मारने से पहले ताकि आपका जॉइंट्स खुल जाए, आप हैवी ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाओ। ये हमारा सेकेंड वार्म अप सेट है स्क्वाट्स भाई। ये तो भाई इजी है गाइस, काफ़ी किया होगा आप लोगों ने स्कूल में, मैं तो भाई बहुत किया। उसके बाद भाई आप लोग अपने लेग्स को फ्री करें, देन आवर थर्ड एक्सरसाइज। ये सिंपल है भाई, आप नीचे बैठ जाओ, अपने दोनों हाथ को अपने गोद के बीच में रखो एंड देन उसके बाद अपने लेग्स को स्ट्रेच करो। आवर फोर्थ एक्सरसाइज फॉर वार्म अप सेट्स एंड लास्ट वन, हैवी लिफ्ट करने से आप भाई पहले खाली सेट लिया करो स्क्वाट का, बहुत इंजरी होती है भाई गाइस, बहुत इंजरी होती है स्क्वाट्स में, लेग्स में मारते हुए बंदूक का मैंने काफ़ी देखा है सोशल मीडिया पे। इसीलिए भाई आप लोग कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लेग्स को वार्म अप के लिए दो सेट मारने से पहले, ना कि जिम गए और हैवी वेट मारने लगे, देन उसके बाद मार के फाड़ दो भाई जितना लग सकता है आपसे। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है भाई, बस ईगो लिफ्टिंग आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है अपने सेट के बीच में, ईगो को अपने साइड में रख दो एंड देन उसके बाद मारो भाई। हाँ आप सपोर्ट ले लो जैसा कि मैंने लिया इस सेट में, सपोर्ट ले लो एंड उसके बाद आप 10-20 केजी बढ़ा सकते हो गाइस एंड उसके बाद आप लोग लगाओ अपना सेट। I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, I think ये 90 kg है, मैंने इसका 5 rep लिया था। तो guys, वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye, take care and love you.